चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा नेताओं की बैठक होनी है। राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक समीकरण और आगामी चुनाव पर चर्चा होगी। संगठन को मजबूत करने और पार्टी से जोड़ने पर भी मंथन किया जाना है। तो एक बड़ी बैठक जयपुर में होनी है, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। 20 और 21 मई को जयपुर में भाजपा नेताओं की ये बैठक होनी है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जयपुर में ये बैठक होनी है, दो दिन बैठक चलेगी, क्या क्या इस बैठक में रहने वाला है, कौन कौन मौजूद रहेगा, पूरी जानकारी दें। देखिए गुंजन, अगर बात करें तो 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के 8 साल पूरे हो रहे हैं। उसके पहले किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है और किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रमों को आगे करना है, इसी को लेकर के जयपुर में 20 और 21 मई को बैठक होगी, जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय सचिव और तमाम सारे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। बताया ये भी जा रहा है कि आखिरी दिन यानी 21 मई को मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, तमाम सारे राज्यों के जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पे इस बात को लेकर के मंथन किया जाएगा कि जिन राज्यों में सरकार है वहां पे किस तरीके से कार्यक्रम किया जाए, जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां पे किस तरीके से कार्यक्रम किया जाए, और पूरे देश में 74,000 बूथ ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उनको मजबूत कैसे किया जाए, नए कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 साल पूरे हो रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री के रूप में, उसको किस तरीके से आगे जनता के बीच में संदेश दिया जाए। और कहा यह भी जा रहा है कि वहां पे लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन को लेकर भी मंथन होगा कि किस तरीके से छोटे छोटे दौर को लेकर के कैंपेन किया जाए, जिससे कि 2024 की जो भूमिका है वो बनाई जा सके। तमाम सारी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के 20 और 21 मई को जयपुर में मंथन होगा, जहां पे जो बातें तय की जाएगी उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।